हमारे साथ हैं अभी मुस्तफा भाई, जो के पाकिस्तान में आजकल कम ही मिलते हैं। मेरी फैमिली को अगर खाना है चाइनीज तो मुझे यहीं से खिलाना पड़ेगा। जिस दिन हमें ये क्रिस्पी बीफ खिलाते हैं ना, उस दिन हम बहुत खुश हो जाते हैं। यूएस से वापस आया, एयरपोर्ट पे मुझे जो है ना इन्होंने भिजवाया है। नहीं भाई, एयरपोर्ट पे गाड़ी में बैठने का पहला काम ये किया है कि इनका चाइनीज है। ये चाइनीज मुस्तफा भाई हाईली रेकमेंड करते हैं कि आप हैदराबाद आए, कराची में है, ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। सामने मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे जाके अपना वेट चेक करता हूँ, इसके बाद आके खाता हूँ। यहाँ चाइनीज की मोहब्बत में और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए, लेकिन वापस घूम के यहीं आते हैं। सामने दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं कराची में बहादुराबाद के मकाम पे। बेसिकली हम बहादुराबाद चुरंगी और शर्फाबाद चुरंगी के सेंटर में है। यहाँ पे ये UBL बैंक के बाहर है, वॉक ऑन फायर के नाम से बेहतरीन किस्म का चाइनीज बेसिकली हमें यहाँ पे लेकर आए हैं मुस्तफा भाई। मुस्तफा भाई जो गए हुए थे अभी माशाल्लाह से US के ट्रेवल पे, और मैं गया हुआ था यूरोप, तो इत्तेफाकन हम दोनों आगे पीछे ही आए हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर एक चाइनीज फूड कार्ट को ट्राई करने आए हैं। चलते हैं मुस्तफा भाई के पास, चल के मुस्तफा भाई से बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आओ मेरे नाल। तो जी हमारे साथ हैं अभी मुस्तफा भाई, जो के पाकिस्तान में आजकल कम ही मिलते हैं, ज्यादातर माशाल्लाह US में या UK में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, 15 दिन के लिए गया था। 15 दिन के लिए गया था मुस्तफा भाई, वेलकम बैक। और मैं अपने आप को खुद ही वेलकम बैक कर लेता हूँ। हाँ वैसे है, आपको भी वेलकम बैक, आप भी तो गए हुए थे खुद दौरा यूरोप पे। जी दौरा यूरोप पे गए थे, तो हमने कहा आपको देख देख के, मैंने कहा जब आप हमेशा बाहर होते हैं तो हम भी एक थोड़ा सा बाहर का पानी पी के देखें कि क्या है पानी। यार आप तो कहाँ स्विट्जरलैंड वगैरह कहाँ कहाँ किन गलियों में निकल गए थे, मैं तो यही देख रहा था यार। यार वो बचपन का एक ख्वाब था, हो सकता है आपका भी हो। हाँ जी, एक बार स्विट्जरलैंड देखें जहाँ पे इतने गाने बने हैं हमारे बचपन की यादें हैं, तो देखेंगे वो है क्या वाकई। मतलब मजा आया, एंजॉय किया आपने। जैसा सुना है हमेशा स्विट्जरलैंड के बारे में, क्या वैसा ही है? वो कम सुना है। कम सुना है? वो कम सुना है। अच्छा, जाके जब आपकी आप असल आंख से जब देखेंगे ना तो आप बोलेंगे वो अलग चीज है। मतलब कैमरा उस तरीके से नहीं दिखा सकता। अच्छा, जो आपने फिल्में देखी हैं, जो आपने चीजें देखी हैं, वो समझ लें उसका 20% है। अच्छा, जब आप जाएंगे उस जगह को अपनी आंख से देखेंगे ना तो आप बोलेंगे यार कमाल है, वाकई सही कह रहे हो। देखिए हम भी वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर उतनी ईमानदारी भी चाहिए। सही बात, जो मैंने वहां देखी। बिल्कुल। तो अभी खैर हम लोग US से और यूरोप से वापस यहाँ हैदराबाद की गलियों में पहुंच गए। हैदराबाद की गलियों में पहुंचे, अपने जहन को यहाँ लाए, मुझे तो एक हफ्ता लगा। आपको कितना दिन लगे वापस? 2-3 दिन लगे वापस आने में, 2 दिन से फंसा हुआ था वहीं पे। अच्छा, ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना भाई, मुद्दा ये है आज हमारा यहाँ आने का। मेरी उनकी तकरीबन 1 साल से ज्यादा हो गया ये बात हो रही है यार चाइनीज मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मजा आ जाएगा। हाँ। मैं कौन सा ऐसा चाइनीज है भाई जो मैंने नहीं खाया? तो ये चाइनीज मुस्तफा भाई हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप हैदराबाद आए, कराची में है, ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। ऐसे ही अंदाज आपको पीछे देख के वैसे हो रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। रश क्राउड, रश तो वो वाला आया हुआ है जो पूरी एक शॉप के ऊपर रश होता है ना, वो वाला है। ऐसा ही आप जब यहाँ आते हैं पहले तो इनका नाम बताएंगे क्या है और आप यहाँ से क्या खाते हैं ये बताएं। भाई वॉक ऑन फायर के नाम से, वॉक ऑन कुजीन के नाम से इनका सेटअप है। अच्छा। और अब तो खैर हम यहाँ पे आते हुए बहुत पुराने हो गए। हाँ जी। किसी जमाने में हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जब व्लॉग बनाने के लिए आए थे। रैंडम आया। एक तो होता है ना कि हम किसी जगह का व्लॉग बनाते, सही है, एक मरतबा खाया एंजॉय किया, लत लग गई। अच्छा। और अब जो है ना, अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, आपस की बात है, मेरी फैमिली कहीं का चाइनीज एंजॉय नहीं करती। मेरी फैमिली को अगर खाना है चाइनीज तो मुझे यहीं से खिलाना पड़ेगा, अदरवाइज वो चाइनीज नहीं खाती, नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, तो यहीं का खाना। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट का बोलते हैं, मेरी फैमिली मना करती, बोले खाना है तो यहीं का खाना, यहीं का खाना। तो ये जो है ना एक एडिक्शन हो गई है, एडिक्शन हो गई। अब आप बताएंगे कि आपको चक्के कैसा लगेगा? नहीं बिल्कुल, आप इतना आप तारीफ कर रहे हैं और इस अभी अभी इससे ज्यादा वेट होने कम करना भाई। नहीं बस ये लोग है। अच्छा, मेरी एक आदत है पता है। हाँ। यहाँ जब भी आता हूँ ना खाने के लिए, हाँ। वाहिद ऐसी जगह जहाँ मेरी बेहतियाती होती है। अच्छा। खाने के मामले में मैं पता है क्या करता हूँ, सामने मेडिकल स्टोर है, हाँ। यहाँ पे जाके अपना वेट चेक करता हूँ, इसके बाद आके खाता हूँ यहाँ। और अभी भी जाऊंगा मैं, अभी आपका शॉर्ट पूरा होगा, मैंने जा रहा है वेट चेक करेंगे। जी मैंने कितना खा लिया? नहीं नहीं, मैं ऐसी एक प्रैक्टिस बनी है मेरी, थोड़ा मैं मुतमइन हो जाता हूँ देख के, हाँ मेंटेन चल रहा है कि नहीं चल रहा।
भाई माशाल्लाह से मसूआ भाई माशाल्लाह ऐसे ही घूमते फिरते रहे। अभी चलते हैं, ऑर्डर दे दिया आपने? ऑर्डर इनको मैंने बोल दिया, इंशाल्लाह जो जो इनके अच्छे टॉप नॉच आइटम है वो सारे ट्राई कराएंगे। अच्छा महंगे भी हैं? क्योंकि लोग यही पूछते हैं यार, महंगे तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है यूं है? नहीं यार, अब मुझे इसका प्राइस का आइडिया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप किसी अच्छी जगह पे किसी बड़े रेस्टोरेंट पे चाइनीज में जाके खाएंगे तो उससे तो प्राइस काफी जो है वो आपको नीचे ही मिलेगी यहाँ पे। लेकिन ये कि प्राइस का कंपैरिजन, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं खाने पीने, तो वो आप ही बताइएगा, खाना भी आप ही खाइएगा, आप ही बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं ये तो खैर व्लॉग से हट के जो है ना, ये तो हमारा काफी टाइम का डिस्कशन था, इन्होंने बोला यार आप चाइनीज ही नहीं खिलाते, तो आज हमारा प्रोग्राम बन गया कि भाई चाइनीज खाएंगे, तो इन्होंने बोला चलो व्लॉग भी बनाते हैं। व्लॉग भी बनाते हैं और चाइनीज भी खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि मसूआ भाई का किया हुआ दावा जो है वो कितना सच है। आ जाओ वेट भी चेक करते हैं, आ जाओ वेट भी चेक करते हैं। मसूआ भाई का वेट चेक कर लेना कितना है? मेरा जो है ना 75 kg है। 74.5 आप चेक करें जरा। कर लें कोई मसला नहीं, कुछ चीजें कैमरे में दिखा देनी चाहिए, कोई मसला नहीं। मोबाइल मोबाइल निकाल रहे हैं, बड़ा वजन है। मेरे घड़ी भी किलो की है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये पकड़ो बेटा, लाओ मैं खुद ही कर लेता हूँ, दिखाओ बेटा। ये देखो जी मेरा वेट आ रहा है 80। ये सिर्फ एक पाँव का है। ये सिर्फ एक पाँव का। अच्छा जी दूसरा आ गया जी, देखें ये हो गया, कितना है, कितना है भाईजन? ये है भाईजन दो, यार ये तो जो है ना 120। नहीं भाई ये 280 पाउंड्स। हाँ 280 पाउंड्स, 125 किलो। हाँ आप जरा ये देखें, आप माहौल देखें और ये सीन आप चेक करें जरा। अच्छा भाई इस टाइम पे हम लोग हैं सलमान भाई के साथ, जो कि शेफ भी हैं और इस जगह में पार्टनर भी हैं, ओनर भी हैं। तो सलमान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े टाइम से जो है मसूआ भाई को पता नहीं क्या खिला दिया आपने, जो जब चाइनीज की बात करो वो घुमा फिरा के आपके ऊपर ले आते हैं। मैंने कहा पता नहीं ब्रांड एम्बेसडर बना दिया आपने मसूआ भाई को यहाँ का, क्योंकि वो इतनी तारीफ किसी ये करते नहीं है, कहते हैं हम जो है ना इसके वो हो गए हैं फैन से भी आगे की बात है ये। बस बाबर भाई आप भी खाएं इंशाल्लाह, आप भी फैन हो जाइए मुस्तफा भाई की तरह। एडिक्शन हो गई है ये बात। सुने इधर आए मुस्तफा भाई, इधर आए, ये बताएं आपस की बात है। हाँ। ये क्या कोई पैसा वैसों की बात तो नहीं है कोई? ये अरे इनके साथ मोहब्बत है यार, मोहब्बत है। पहली मरतबा खाया था जैसा कि मैंने आपको बताया। हाँ ऐसा मुंह पे लगाया कि बस अब जो है ना ये हमारी कमजोरी बन गई है, अब मुंह से खून नहीं उतर रहा। हाँ नहीं नहीं भाई अब जो है ना यही चाहिए, चाइनीज है तो यही, चाइनीज है तो यही, और कोई नहीं, और कोई नो कॉम्प्रोमाइज। भाईजान यूएस से वापस आया। हाँ एयरपोर्ट पे मुझे जो है ना इन्होंने भिजवाया। नहीं भाई एयरपोर्ट पे गाड़ी में बैठने के बाद पहला काम ये किया है कि इनका चाइनीज का है। ये सीन ये क्या है, अंदाजा लगा ले क्या है नंदा, ये क्या भाई? बाबर भाई आप भी खाएंगे तो ऐसी हो जाएंगे इंशाल्लाह, भाई तो हमारे फैन हो गए। भाईजान फिर क्या क्या चीजें हैं मंगोलियन यहाँ पे, क्या क्या चीजें तो आपको ज्यादा पता होगा मुझे लग रहा है। इनके पास जो है ना बीफ है, सही है, बीफ के अंदर इनके पास मल्टीपल आइटम्स हैं, चिकन है, चिकन के अंदर वॉक ऑन फायर है, कंग पाव है, ठीक है, इसके अलावा इनके पास डायनामाइट प्राउन है, डायनामाइट चिकन है, फिर चौमिन है, तो इस तरह की जो है ना और मल्टीपल चीजें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमें क्या ट्राई करवा रहे हैं? आज हम आपको इंशाल्लाह ट्राई करेंगे वॉक ऑन फायर अपना, बाकी हमारी डायनामाइट चिकन बहुत अच्छी है और डायनामाइट प्रॉन्स हो गए, कोरियन चिकन हो गए। आज हम आपको 3-4 चीजें ट्राई कराते हैं। ये आपके वॉक ऑन फायर के तो बहुत बड़े फैन अभी हैं, आपको भी खिलाते हैं इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। स्पाइसी अगर लाइक करते हैं तो आप बहुत अच्छा लगेगा। भाईजान मैं चाइनीज का बहुत बड़ा फैन हूँ और चाइनीज खुद भी बड़े शौक से बनाता हूँ, तो आज जो है ना आपके दोनों तरह से हम उसको नाप तोल करेंगे उसका। ठीक है भाई, ठीक है ना, चले मसूआ भाई आ जाए फिर, आओ मेरे नाल। मसूआ भाई जब अमेरिका से आया ना, जब से वेट कम करके बहुत एक्टिव हुए, कह रहे मुझे काम बताओ मैं क्या करूँ। हाँ जी तो ये इन्होंने दे दिए हैं डायनामाइट चिकन और इन्होंने बोला आप बगैर टाइम जाया किए ना ये फौरन खा लें और फौरन बता देंगे ये कैसा है। तो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत गर्म, गर्मा गर्म, जज्बात में गर्मा गर्म खा लिया आपने भाई, शदीद गर्म खा लिया और लेकिन बेहद मजे का है। जो सॉस इन्होंने ऊपर यूज किया ना इसके ऊपर चिकन के ऊपर कोटिंग के लिए, कमाल है कमाल। मैं इस तरह की सॉस वगैरह का ना बहुत फैन हूँ और माशाल्लाह ये बेहतरीन है। बगैर टाइम जाया किए हुए आगे बढ़ते हैं और जो मसूआ भाई का जो मोस्ट फेवरेट है यहाँ पे वॉक ऑन फायर, वॉक ऑन फायर। फायर तो नजर आ ही रहा होगा आप लोगों को इसके अंदर, ये जो फायर है लाल लाल मिर्चे जो, हाँ ये जो नजर आ रही है, मिर्चों के शौकीन है आप? हाँ मिर्चे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में देखा था आप कह रहे थे मैंने अपने लिए बहुत स्पाइसी ऑर्डर किया है अमेरिका में। अमेरिका में बिल्कुल एक्स्ट्रा हॉट था वो, एक्स्ट्रा हॉट, तो आपने वो ऐसे बाहर दिखा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, क्या चाहिए आपको? तो आप सही खुद फैन है भाई इनके, हम मोहब्बत है भाई, ये इनके फैन है, कोई व्लॉग हम मिस नहीं करते इनका। क्या बात है। तो अब ये है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम,
वाह मुस्तफा भाई कमाल है कि नहीं है? कमाल है भाई, एक्स्ट्रा हॉट है, एक्स्ट्रा हॉट है। और जो लोग स्पाइस के जो शौकीन है ना, मैं वैसे बहुत ज्यादा स्पाइस लवर हूं नहीं, लेकिन जो उसका टेस्ट है ना और जो उसका क्वालिटी का लेवल है, वो बिल्कुल एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट का, आप किसी जाए जो फाइन डाइन होता है उसका लेवल इन्होंने रखा हुआ है माशाल्लाह से। लेकिन ये है कि यहाँ पे होने की वजह से आपको प्राइस जरा कम मिल जाएंगी ना, ये बहादुराबाद और शरफाबाद के सेंटर में है ये लोग, तो लाजमी ये ट्राई करें। ये काम ऐसा है कि मैंने अभी ये जो खाया है इनके, ये क्या थे, डायनामाइट चिकन, डायनामाइट चिकन, ये भी बहुत कमाल था। और ये जो मैंने इनके खा रहा हूँ अभी एक्स्ट्रा जो हॉट है, ये वॉक ऑन फायर, वॉक ऑन फायर, ये जबरदस्त है। बिस्मिल्लाह करें, इंतजार मत करें, मुझे लग रहा है कि आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, सबर का दामन छूट रहा है आपका। बिस्मिल्लाह। ये अमेरिका में नहीं मिलेगा, ये अमेरिका में इस लेवल पे नहीं मिलेगा, वहां अमेरिका में है इस लेवल का तो कहीं नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा ये। मैं किसी इंशाल्लाह ताला आपको अपने हाथ का चाइनीज भी खिलाऊंगा। हैं, डन हो गया ये। अच्छा चाइनीज का मैं जो दीवाना हूँ ना, वो मैं यहीं पे आके हुआ हूँ। पहले नहीं, पहले मैं चाइनीज का कोई फैन नहीं था। नहीं थे? नहीं नहीं, पहले क्या था, पहले देखा था आप बोलते थे बिरयानी शायद। हाँ जी, बिरयानी शिरयानी और देसी खाने। चाइनीज जो है ना, जब इनका खाया ना, बस फिर दिमाग घूम गया, फैन हो गए। इसके बाद मैंने चाइनीज की मोहब्बत में और बहुत सारे रेस्टोरेंट ट्राई किए कराची के, लेकिन लेकिन वापस घूम के यही आते हैं कि भाई ये वाला मजा नहीं है, ये वाला मजा नहीं है। ओहो चिकन, ओहो भाई ये तबाही फेर दिया ये तो भाई रुक ही नहीं रहे, कह रहे हैं जितनी चीजें इनके पास है ना। अच्छा मैं कोरियन की ना यहाँ बार बार आवाज सुन रहा हूँ, ये लोग इसको ना बार बार ऑर्डर दे रहे हैं, यार वो कोरियन चिकन कहाँ है, ये आ रहे हैं कोरियन चिकन। तो ये कोरियन चिकन भी देखते, आजकल बच्चे कोरिया के बड़े शौकीन हो रहे हैं। ये गर्म भी लग रहा है मुझे, फूक मार मारे खाता हूँ लग रहा है। आपके लिए कोई शरबत वरबत मंगवाना पड़ेगा मुझे यार, कुछ आपकी हालत खराब होती हुई नजर आ रही है। समझे ना, कुछ समझे आप बात को, मैं बार बार आपको इशारा कर रहा हूँ, मंगा दे। आप समझ नहीं मेरी बात ना, आप पाकोला मिल्क पी रहे हैं अभी मंगा दे। अब आपने डाइटिंग कर दी, हमें ही मुश्किल में डाल दिया आपने साथ। मैंने अभी मंगा दे आपके लिए। बिस्मिल्लाह। ओह हाँ, समझ में आ गया भाई। भाई टेस्ट आप लोगों को दें, यकीन माने आप टेस्ट लोगों को दें, लोग आपके पास मिसाल यहाँ पर। सबसे नेक्स्ट लेवल की कोई चीज है, अगर अभी तक आपने खाया जो भी आपको अच्छा लगा, जी जी, ये जिस दिन होता है ना उस दिन हमारे सारे दोस्त जाना छापा मारते हैं। ये है क्या? ये है क्रिस्पी चिली बीफ। ओए होए होए, ऐसा क्रिस्पी बीफ आपने नहीं खाया? नहीं खाया। ये देखे जी, ये देखे जी, तीन लिमका लिया। वाह, अब जो है ना मेरे कहने पे एक सिर्फ बीफ बगैर चावल के भी उठा के खाइएगा। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। नॉर्मली आपने इतनी क्रिस्पी चिकन देखी होगी, इतना क्रिस्पी बीफ नहीं देखा होगा। यार वाकई में ये हाँ। बात बिल्कुल आपने दुरुस्त कही है कि इतना क्रिस्पी बीफ मैंने फर्स्ट टाइम हाँ। लाइफ में ट्राई किया है। वाह, कैसा लगा आपको ये? ये हमारा सबसे फेवरेट आइटम है। समझ रहे हैं, जिस दिन हमें ये क्रिस्पी बीफ खिलाते हैं ना उस दिन हम बहुत खुश होके जाते हैं। तो आज आप खुश हो? आज मैं खुश हूँ ना, अभी जल्दी से आप निवाला लेंगे अपना, मेरे हाथ में कुछ आएगा तो मैं खुश हूँ। मैं वो ट्राई करता हूँ, मजाक कर रहा था। जबरदस्त है, बेहतरीन है, मजा आ गया। अब आने थे जरा इधर, जरा इधर आने थे, पार्सल आने थे। भाई जानना चाहती है, ये देखे ना ये बीफ की बोटी आई है। एक तो इनका नॉर्मल बीफ जो होता है ना वो भी धमाकेदार है, लेकिन जो क्रिस्पी है ना इसमें अलग कोई जादू है। कट करने की जरूरत नहीं है, चलने दो, चलने दो। एक दो तीन चार पांच आइटम तो इन्होंने हमें लाके दे दिया यार, मतलब बंदा क्या खाए और क्या ना खाए, इतना उन्होंने कमाल किस्म का। ये अब जो है ना चौमिन है, और चौमिन भी जो है ना इनके भाई हर चीज जो है ना। वैसे कल हमारे वो भाई आए हुए थे अब्दुल मालिक फरीद भाई, मालिक फरीद भाई, मालिक भाई आप बगैर मिले हो चले गए, चले कोई बात नहीं है, आप मसरूफ आदमी है, कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सऊदी अरब आगे मिलेंगे आपसे, मैं और मुस्तफा भाई।
अच्छा मेरी मुलाकात बाय द वे रात को हो गई थी उनसे, लेकिन यहाँ नहीं आ सके हम लोग क्योंकि कल ये बंद था, फिर आप कहीं और घूमे, फिर हम कहीं और चले गए थे भाई। ओवरऑल मैं कहता हूँ, मैं हूँ बेसिकली राइस लवर, तो ये जो दोनों राइस के आइटम है सुपर से भी ऊपर, उसके बाद ये जो डायनामाइट चिकन और ये जो डायनामाइट आई थिंक ये वाला ये कोरियन चिकन, ये भी बहुत जबरदस्त है। मतलब रैंकिंग करूंगा तो ये सबसे मेरी सबसे लीस्ट पसंद होती है क्योंकि मैं ज्यादा ये नहीं खाता है तो शौक से, लेकिन राइस और ये कमाल कमाल। बाकी ये खड़े हैं इनके मालिक, तो टाइमिंग क्या है भाजन यहाँ की? टाइमिंग है भाई 8:30 बजे से रात, 8:30 बजे से रात, 1 बजे रात 1 बजे। और छुट्टी मंडे ऑफ होकर, लंच टाइम पे 12:30 से 3 बजे वो भी है, 12:30 से 3 भी है, डिलीवरी करते लंच में, डिलीवरी करते यहीं से। जी थैंक यू मुस्तफा भाई बेहतरीन यहाँ तक लाने के लिए और यहाँ ये इतना बेहतरीन चाइनीज जो है खिलाने के लिए। तो जी ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको वॉक इन फायर दिखाया और मुस्तफा भाई ने माशाल्लाह जितनी डिशेस जितनी चीज़ें बताई सारी ही कमाल थी और मज़ा आ गया भी खा के। अगर आप लोगों को भी ये चाइनीज़ ट्राई करना है, अच्छा प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, 500-600 मैक्सिमम 700 रुपए के आसपास की हैं और 2 लोग इसको खा सकते हैं आराम से। तो जगह मैं फिर से बता देता हूँ, कराची बहादुराबाद और शरफाबाद के बीच की ये स्पॉट है, इसके अपोजिट जो है वो जान है, सामने बैंक अल हबीब है, इधर UBL के आगे ये खड़े हुए हैं। आप लोगों का ट्राई करना है खाना है तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा कि मज़ा आएगा। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा फेसबुक से यूट्यूब से, अपना ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।